एक बार सरदार करतार सिंह चब्बर नूं इह मिल पिया महंत नारायण दास इह कहिंदा है जे तुसीं मीटिंग रख रहे हो 4, 5 ते 6 मार्च दी मेरियां कुछ शर्तां ने तुसीं मन लो ते प्रबंध मेरे कोल रहण दिओ। करतार सिंह चब्बर ने आख्या जी दसो ये कहिंदा पहली शर्त ते मेरी ये है कि गुरु घरां दा जिहड़ा प्रबंध है ना ननकाणा साहिब दा वह मेरे अधीन रह दिओ। उन्हें आख्या ठीक है। दूजी शर्त वह कहिंदा दूजी शर्त मेरी ये है कि जिहड़ा गुरु की गोलक दे विच हिस्सा है वह तुसीं मेरे तो खोयो ना। कहिंदे ठीक है इहदे तो अगली शर्त। कहिंदा तीजी शर्त मेरी ये है इस महंत नारायण दास ने आख्या भी तीजी शर्त है भी मैनू श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैंबर बना लो। सात संगत तुसी वेख्यो साडे सिख सरदारां दा आचरण ते जीवन। करतार सिंह चब्बर ने आख्या तू गुरु की गोलक की गल करदा इहदे विच्चों तैनू हिस्सा चाहीदा लै सकदा तू जे तू गुरुद्वारे की सेवा संभाल की गल करदा ते तीजी गल जिहड़ी तू श्रोमणी कमेटी के मैंबर बनने की कीती है असी आचरणहीन ते करैक्टरलैस बंदे नूं असी जनानीबाज बंदे नूं गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी का मैंबर नहीं बनाउणा। एक करतार सिंह चब्बर ने आखी ये गल मैं अज ही पढ़ रहा सी उहदे विच लिखिआ भी ये सरदार करतार सिंह चब्बर ने आख्या भी ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये बड़ी सुचारू सोच विचों पैदा हुई है और जे महंत नारायण दास आखे भी मैनू इहदा मैंबर बना लो ये कदे भी नहीं हो सकता। तुसीं वेखो सोच किड्डी उच्ची ते सुची हो गई। साध संगत फिर महंत छात्र बहुत सी इन्हें जदों इहनूं पता लगा भी इस तरह होना मेरी पेश नहीं जानी सिख सरदारां के इन्हें बदमाश साध उस वेले रांझे रहाणे 10 नंबरी ये बदमाश सन अगुए छवियां किरपाना गंडस ये मारू हथियार बहुत सारा तेल इकट्ठा कर लिया ते अपने गुंडियां नूं आख्या भी जदों भी सिख सरदार आउण तेल पा के साड़ दिओ जिन्नी मार तुहाडे तों वजदी उहनां नूं मारो ते बंदे आउण अपने पैरां ते तुर के पर इत्थों कोई साबत जाए ना। साध संगत फिर महंत दी इक मीटिंग सी ओह सी लाहौर दी धरती ते ओह सी 19 ते 20 फरवरी 1921 नूं महंत दे गुंडियां दे विच इक भाई अवतार सिंह बड़ी भावना वाला सिख सी ओह सुइया सी करतार सिंह चब्बर दा जिहड़ा भेस बटा के ते महंतां दे लिबास विच उदां दे कपड़े पा के उहनां दे गुंडियां विच रहिंदा सी ते ओह सारी गलबात सरदार करतार सिंह चब्बर नूं सुइए वजों दस्या करता सी। उहने दस्या कि इह महंत मीटिंग रख रहा 19 ते 20 फरवरी लाहौर इन्हें उत्थे चले जाना है तुसी सिख संगतां लैके आओ ते प्रबंध ननकाणा साहिब दा आपां नूं मिल जाएगा। साध संगत ये महंत जा रहा सी सिख सरदारां ने यह जिहड़ी मीटिंग ननकाणा साहिब 4, 5, 6 मार्च नूं रखी सी इन्हां ने आख्या भी यह दिन दूर हन आपां 19 ते 20 फरवरी नूं ननकाणा साहिब दा प्रबंध लै लईए। जदों यह जा रहा सी लाहौर जदों यह स्टेशन ते पहुंचिया एक बीबी सी कोई उन्हें आख्या भी अज नीलियां ते कालियां पगां वाले अकाली ननकाणा साहिब आ रहे हैं तू किधर जा रहे हैं। यह महंत उत्थों वापस आ गया जदों यह सिख सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाल करतार सिंह चब्बर बूटा सिंह लायलपुर इन्हें आख्या भी आपां होरां नूं नहीं दसना साढ़े राह विच कोई रोक भी पा सकता आपां अरदास करिए ते अरदास करके हुक्मनामा लईए ते चाले पा लईए। सात संगत उस वेले अरदास होई हुक्मनामा साहिब लिया गया तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई और सिख सरदारां आख्या भी हुण सानू गुरु साहिब ने हुक्मनामा बख्शिया ननकाणा साहिब की धरती ते आ गया। अगे महंत दे गुंडियां ने प्रबंध किया सी टकुए छवियां भालिया नेजियां किरपाना नाल एडी कतलोगारत होई सात संगत ननकाणा साहिब की धरती ते एक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के सरूप नूं गोली वजी जिहड़ी लगभग 462 अंग तों बहुत सारे पत्रियां नूं जिहड़े जख्मी कर दिंदा। सात संगत इत्थे फिर शहीदियां होईयां सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाल जी नूं जंड नाल बन्ह के साड़िया गया। इतिहासकारां इतिहास लिखिया 119 खोपड़ियां सन
चार अध सड़िया लाशां सन जिहड़ियां ननकाणा साहिब दे अंदरों कढ़ियां, सत खोपड़ियां कुम्हारां दी पट्ठी विच्चों मिलियां, तीन जिहड़े टोकरे वड्डे कीमा मास दे भर गए, दस टोकरे हड्डियां दे भरे। चिखा चुन लई सरदार जोध सिंह अरदास लगे करन ते आख्या आरिया समाजी साढ़े ते शक करदे सन, नास्तिक बिरती वाले बंदे भी सिख एवें पढ़ जांदे, खोपड़ियां लुहाइयां बंद बंद कटाए, गुरद्वारियां दी सेवा दी कुर्बानियां करन वाले। उन्हें आख्या जे किसी नूं शक है ते अज वेख लो। साध संगत फिर लांबू लाया गया, सिखां दा संस्कार होया। उधरों फिर साध संगत करतार सिंह टब्बर बूटा सिंह लायलपुर उन्होंने फिर गोरी हकूमत दे नाल मत्था लाउंदे आख्या भी ये लड़ाई आर जां पार दी, सानू चाबियां ते प्रबंध चाहिए। फिर डीसी ने गोरी सरकार ने सिख रोह अगे झुकद्या होया उन्हां चाबियां ननकाणा साहिब दीआं सिख सरदारां नूं दित्तियां। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।